माय चैनल और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ बिहार सरकार में वैकेंसी आ रखी है लोक स्वास्थ्य अभियंत्र विभाग में। विज्ञापन जारी किया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने। देखेंगे वैकेंसी के बारे में डिटेल में, हम डिटेल में चर्चा करेंगे कब शुरू कब खत्म, एज एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए, फॉर्म कैसे अप्लाई करना, ईच एंड एवरी थिंग हम सारी की सारी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक काम आप कर लो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना जरूर आवश्यक है, ठीक है। चलो देखो, लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता पोस्ट कौन सी रहेगी, सहायक अभियंता असैनिक यांत्रिक के रिक्त पदों पर संविदा पर आधारित भर्ती। अब ये देखो संविदा के आधार पर है। संविदा क्या होती है, कुछ पीरियड के लिए, साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल, तो ऐसे कुछ बता देते हैं, बॉन्ड साइन करा लेते हैं, भैया इतने साल का तुम परमानेंट क्लेम नहीं कर सकते हो, तुम सारी सर जो गवर्नमेंट सुविधाएं देती हैं वो आप नहीं ले सकते हो। लेकिन इसमें जो है ना, मैं आपको बताऊँ, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। प्रतिमाह तनख्वाह जो इन्होंने फिक्स कर रखी 55,000 रुपये पर मंथ की इसमें तनख्वाह होने वाली है जो लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं। तब थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं हम, कुल पद कितने हैं आपके, देखो 64 हैं पद असैनिक के लिए, ठीक है, और टेक्निकल वालों के लिए सहायक अभियंता यांत्रिक जब मैकेनिकल जिसे कहेंगे तो उसके लिए 6 पद, 6 और 64 टोटल मिला के कितने हो गए, 70 पदों की भर्ती है, ठीक है। तो और आगे देखेंगे हम, ये संविदा के आधार पर, ये मैंने आपको पहले बता दिया, आप ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, ठीक है, मैं नीचे आपको वेबसाइट बता दूंगा, वहाँ पर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। सहायक अभियंता असैनिक कुल कितने, 64 पद इसके लिए। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कितनी रिजर्व कितनी अनरिजर्व, 9 अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं इसमें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 14, पिछड़ा वर्ग के लिए 5, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 4 और सामान्य के लिए 32 सीटें हैं। आरक्षण कोटे वार आप देख सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है, अगर एप्लीकेबल हो तो। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, महिलाओं को 36 डायरेक्ट रिजर्वेशन मिलेगा 35%। ध्यान रखिएगा, अगर आप महिला हैं तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई करो, क्योंकि आपके लिए डायरेक्ट रिजर्वेशन है, डायरेक्ट 35% महिलाएं ली जाने वाली हैं, ठीक है। बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है कि पोता पोती नाती नतनी को 2% 36 आरक्षण तथा 40% उससे अधिक निःसक जनों को 36 आरक्षण दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती वगैरह है, नाते नतनी हो, तो आपको 2% डायरेक्ट रिजर्वेशन है, और मेरी मानो तो इतने 2% लोग ही नहीं पहुंचेंगे, इसमें भी 1-2 सीट खाली बची रहेगी, ठीक है। तो अगर आप हैं तो जरूर उस प्रमाण पत्र के साथ में इसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर आप विकलांग हैं तो अप्लाई कर ही सकते हो, आपके लिए भी डायरेक्ट 40% का रिजर्वेशन है, ठीक है। आरक्षण देखें, आरक्षण जो है ना, राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाए, कहने का मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल कहीं के हो, तो आपको अगर आप SC ST, अगर आप उस स्टेट के आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ये जो SC ST या जो देते हैं, ये हर राज्य अपना अपना दर्जा देता है, अपने अपने नियम बना रखे हैं, तो इसलिए अगर आप हैं किसी अन्य स्टेट तो आपको एज ए जनरल फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो जिसमें तनख्वाह है 55,000 रुपये प्रति महीने की आपकी तनख्वाह होने वाली है, ठीक है। और आगे शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं, सहायक अभियंता असैनिक पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास सिविल में डिग्री होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और या फिर अथवा किसी मान्यता प्राप्त अभियंत्रण विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में आपका डिप्लोमा हो, मतलब डिग्री हो या डिप्लोमा हो, सिविल में आपके पास कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज चाहिए, पद के लिए किसी विश्वविद्यालय से डिग्री धारक हो, अथवा किसी मान्यता प्राप्त से मैकेनिकल में, और यांत्रिक के पद के लिए 2 पद थे, इसके लिए 64 वैकेंसी थी, इसके लिए 6 वैकेंसी थी, तो इसके लिए भी आप डिग्री हो या आपके पास मैकेनिकल से डिप्लोमा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और एक चीज और देख लेते हैं इसमें, भारत अभियंत्रण संस्थान भारत का सह सदस्य हो तथा अभियंताओं के संस्थान भारत से शाखा आ और आ संबंधित अभियंता शाखा में उत्तीर्ण हुआ हो, अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत द्वारा प्रतियोगित संस्थान से शाखा आ और आ के समतुल परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उपाधि प्राप्त की हो, मतलब कि आपने कोई जो है ना गेट वगैरह का एग्जाम क्लियर कर रखा हो, सीधी बात यह है इसकी, ठीक है। और आगे हम थोड़ा सा देखेंगे, और यूनाइटेड किंगडम के अगर आप इससे बिलोंग करते हो तो देख सकते हो, उम्र सीमा की बात कर लें, मिनिमम आपकी 21 साल और मैक्सिमम आपकी
अगर पुरुष है तो 37 साल, अनारक्षित महिला के लिए 40 साल, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति के लिए 42 साल। तो एक अच्छी उम्र सीमा है 21 से करीब करीब 40 हज़ार, या जनरल मान लो तो 21 से 37 साल तक के लिए आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाओगे। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना मैंने आपको बता दी है। संविदा पर यह वैकेंसी चयन प्रक्रिया आपकी जो है ना, गेट के जो आपने एग्जाम दिया है, गेट 2016 में आपने एग्जाम दिया हो, गेट 2017 में आपने एग्जाम दिया हो, या गेट 2018 का जो स्कोर कार्ड होगा उसके आधार पर आपको चयन प्रक्रिया में बस वही मेरिट लिस्ट, आपकी स्कोर कार्ड के जितने नंबर होंगे उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट इसमें बनाई जाएगी। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू है? ऑनलाइन आवेदन शुरू है 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे, तो आप अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट आप कौन सी रहेगी? आपकी वेबसाइट रहेगी ये PHED.bihar.nic.in पर जाकर आप अपना फॉर्म भी भर पाएंगे। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। अगर कुछ और जानना चाहते हो, कुछ और पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच होकर कमेंट कर सकते हैं। अपने इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।